आसनसोल नगर निगम अंतर्गत कुल्टी स्थित वार्ड नंबर 65 के तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद अख्तर हुसैन के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने शाम को कुल्टी थाना का घेराव कर थाने के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। पूर्व पार्षद अख्तर हुसैन ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों रोहित पांडे नाम के युवक को पार्षद नदीम अख्तर के गुर्गों ने बिजली की पोल में बांधकर बेरहमी से पीटा। घटना की शिकायत वीडियो वायरल भुक्तभोगी ने कुल्टी थाना में की गई, तो उल्टे रोहित पर छेड़खानी समेत कई फर्जी मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि थाने में जब तक किसी का फोन नहीं आता है तब तक थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। कानून के मंदिर की पहली सीढ़ी थाना से ही शुरू होती है। अगर इंसाफ यहां नहीं मिलेगा तो साधारण लोग कहां जाएंगे। पूर्व पार्षद अख्तर हुसैन ने कहा कि इस मामले की जानकारी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी को पहले ही दी गई थी कि थाना के आईसी इंचार्ज के विरुद्ध घेराव करेंगे, यहां सुनवाई नहीं हुई तो कमिश्नर से मिलेंगे। पुलिस मामले में सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई करे। इस दौरान टीएमसी समर्थक मीठू, बबलू, दिलदार सिंह, जुबैर, समीम खान, अकबर, सोनू मलिक, नबी इम्तियाज, यूसुफ रैन, तनवीर राजा, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। चिंतक करने वाला काउंसलर क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? कुल्टी थाना कुल्टी थाना में झुक करके गैर कानूनी काम करने वाला काउंसलर नदी मख्तार अरेस्ट का नहीं हुआ जवाब दो। आराज मान लीजिए वो आ नहीं सके, एसीपी साहब आए उनके यहाँ पे, वो डेपुटेशन तो लिए हम लोग। हम लोगों का जो डिमांड था कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और वो लोग जो फॉल्स केस किया है इसके बारे में इंक्वायरी किया जाए। क्या, तो बोला क्या मामला देखिए, एक लड़का को जो मारा है उस रोहित पांडे को, उन लोगों के साथ में रोहित पांडे को लेकर के FIR करने जो आया था थाना में, तो उस दिन तो मेजर बाबू बड़ा बाबू नहीं लिया FIR। उसके 17 दिन बाद जब हम प्रेशर दिए हैं तो FIR लिया है, वो भी FIR चेंज करके, नाम चेंज करके, बबलू का नदीम अख्तर का नाम चेंज करके बबलू को रेसी कर दिया है। कौन किया था चेंजेस? ये थाना पुलिस किया। अभी हम लोग बोले SCP को, पुलिस जो है गलत काम किया है, आप लोग इसको सुधारिए नहीं तो आने वाला दिन जो है खराब होगा। उसके बाद जो है फिर बोला है कि ये जो इन लड़का लोग पे जो केस किया है, रोहित पे और राजा और शाहिद बोल के लड़का, उस पर जो केस किया, बोले ये फॉल्स है, इसको हम लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद जो जो भी डिमांड था हम लोगों का, कुल्टी में जो गलत काम हो रहा है इसको रोकने के लिए हम लोग बोले हैं कुल्टी ऐसी सक्षम नहीं है, आप देखिए इसको खुद से देखिए तभी जो होगा। अभी तक कितने लोगों का गिरफ्तारी हुई है? अभी तक देखिए इसमें जो है गिरफ्तार, ये लोग बेलेबुल सेक्शन दे दिया है जिसके कारण से ये हो रहा है। किसके नाम पे आप तो कुछ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? जो काउंसलर है उस जिसको घर से उस लड़के को घर से उठा के ला रहा है उसका गिरफ्तारी होना चाहिए। नदीम अख्तर एलाइज बबलू उसको अरेस्ट होना चाहिए। उसके साथ में है और भी जो उसके 6-7 गुंडे हैं वो लोग अरेस्ट होना चाहिए, जो हम लोगों का डिमांड है। आपका नाम? मेरा नाम अख्तर हुसैन। देखुन की जन्य করেছে সে করেছে সেটা তো বলতে পারছেন না, এটা দলের কোনো অনুমতি নেই, দল জানে না। আপনারা কি কি বলবেন, ঝান্ডা নিয়ে করেছে আপনাদের সঙ্গে, আপনার কাছে অনুমতি নেই? শুনলাম আমি বাজার ব্লক প্রেসিডেন্ট কে জিনিসটা জানাচ্ছি, উনি কথা বলুন, উনি ব্যবস্থা নেবে। এই হঠাৎ করে তৃণমূল ঝান্ডা নিয়ে থানা ঘেরাও, আপনাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই? একদম কোনো ইনফরমেশন নেই, দলের অনুমতি নেই। আপনি এটা কি চোখে দেখছেন? ঠিক দেখছি। নাম আর পরিচয়? বিমান দত্ত, সভাপতি কুলটি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস। जैसा कि सुनने में आ रहा है वार्ड नंबर 65 में जो है आपका लगभग सुनने में आया 28 तारीख को एक घटना हुई थी, जैसे नदीम अख्तर बोलकर एक काउंसलर है और उसके 4-5 गुंडों ने मिलकर एक हम ही लोग को वार्ड का ही रहने वाला निवासी है रोहित पांडे को पोल में जिस तरह का बांध करके मारा गया, ठीक है ना। उसके बाद मारने के बाद कुल्टी थाना केस नहीं ले रही थी, जहाँ तक सुनने में आया है, ये तो हम इस बात पर श्योर क्योंकि हम पश्चिम बंगाल में उस टाइम नहीं थे। उसके बाद केस होने के बाद क्या हुआ, नदीम अख्तर बबलू जो उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उसको लेकर आज कुल्टी थाना में अख्तर हुसैन पूर्व पार्षद जो है वो आज घेराव किए, ठीक है। वो घेराव की उनका घेराव करने का मकसद भी सही था, नदीम अख्तर जो किया ये बहुत गलत ही काम किया, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन पर मुझे इतना भरोसा है कि वो सच्ची जो सच हो वो सामने लाएगी, ठीक है। लेकिन जिस तरह का आज अख्तर हुसैन ने आपका, ठीक है, घेराव किया, घेराव करने के बाद जिस तरह का अख्तर हुसैन आज बोल रहा था कि हम लोग 1998 से पार्टी, मुझे पुलिस पर विश्वास है वो निष्पक्ष जांच करेगी और इसका सही रिपोर्ट आएगी, क्योंकि
कुल्टी ICA हो या कुल्टी थाना हो या पूरा पश्चिम बंगाल या पूरे देश के पूरा पुलिस प्रशासन हो, उन लोगों पर मुझे भरोसा है, वो लोग सही जांच करते हैं और सही रिपोर्ट ही देते हैं, कभी गलत नहीं करते। लेकिन जिस तरह आज अख्तर हुसैन घेराव के बाद बोल रहा था कि 1998 से हम लोग पार्टी कर रहे हैं, आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, उखाड़ फेंकेंगे, अरे बाबा किसको आप उखाड़ फेंकेंगे, देश के संविधान को उखाड़ फेंकेंगे? इसका मतलब ये पता चलता है कि गुंडागर्दी तृणमूल कांग्रेस ही करती है। एक पार्षद मारता है, दूसरा पूर्व पार्षद जाता है, उसी पार्टी का पार्षद जाकर क्या कहता है कि उखाड़ फेंकेंगे। अरे बाबा हर तरफ से पब्लिक और पुलिस पिसा रहा है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर इस सरकार को इस तरह का करके रखा कि आम जनता को परेशानी हो रही है। यहाँ पर जो वर्दी पहने वो भी परेशान है, जो वर्दी में नहीं वो भी परेशान है, एक भीख मांगने वाला भी परेशान है और दूसरा है ना कमा रहा वो भी परेशान है, इस तरह का यहाँ पर तृणमूल। ठीक है, मेरा नाम हुआ जिसान कुरेशी, पूर्व भाजपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 65, भाजपा अनुसंख्य मोर्चा, आसनसोल जिला नेता।